सोप प्रस्तुत करते हैं वो हुए ना हमारे बियर सोप, त्वचा जो दिखे यंग रहे यंग। जिम्मेदारी इंसान को सब कुछ सिखा देती है अंजलि, देखना वो भी सब कुछ समझ जाए। मैं भी भगवान से यही मांगती हूँ कि तुम्हारा विश्वास ही सही हो और मेरा शक बेबुनियाद, वो तुम्हारे लिए ऑफिस में कोई मुसीबत ना खड़ी करे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आइए मिस्टर मेहरा, आपसे एक जरूरी बात करनी है। गुड मॉर्निंग सर। आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। ये है विशेष, ये हमारी कंपनी के नए MD। वेलकम सर। विशेष ये हमारा स्टाफ है, ये मिस्टर मेहरा है, ये हमारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, ये रमेश है। हाय सर। बाकी लोगों को भी तुम जान जाओगे और मैं तुम्हें तुम्हारा कैबिन दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा कैबिन। तुम्हारी कुर्सी बैठ। मिस्टर मेहरा का फोन। हेलो मिस्टर मेहरा, हमारे जो नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सब की फाइलें ले आइए। हाँ अभी मिस्टर मेहरा फाइल लेकर आ रहे हैं, तुम आज वो फाइल्स पढ़ लो, ऑफिस देख लो, फिर जैसे जैसे समझ में आने लगे तो काम शुरू कर दे। विशेष, तुमने कभी किसी से प्यार किया? ऐसे ही पूछ रहा था। दरअसल क्या है कि आज सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो अंजलि कुछ परेशान लग रही थी, सोच रहा हूं उसे कहीं बाहर ले जाऊं किसी रोमांटिक डिनर पे, क्या ख्याल है? करना पड़ता है भाई, करना पड़ता है, जरूरी है। चलता मैं फाइल भिजवाता हूं। अंजलि के साथ डिनर? लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा तब ना। आज का डिनर तो तुम्हारी अंजलि को अकेले ही करना पड़ेगा। क्या बात है सीमा बेटी, कुछ कहना चाहती हो? कुछ परेशान सी नजर आ रही हो कई दिनों से। कोई बात नहीं दादा जी, बिल्कुल कोई बात नहीं। वो क्या है ना,
घर में अकेले बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो जाती हूँ। अरे बेटा क्यों बोर हो जाती हो, घर में सब तो है, 10-10 मिनट भी बात करेगी ना तो दिन कट जाएगा। क्या दादी इतने सारे लोग कहाँ हैं? समीर भैया और विशेष भैया सुबह होते ही ऑफिस चले जाते हैं, मम्मा पूरे दिन अपने समाज सेवा के काम में बिजी रहती है, और विशाल भी तो अब स्कूल जाने लगा है। और तुम्हारी अंजलि भाभी तो है ना घर में? दादी इनकी तो बात ही मत कीजिए आप, इन्हें किचन से फुर्सत ही कहाँ मिलती है कि मेरे साथ बैठे मुझसे बात करे, मैं किससे बात करूँ दादी। मेरे पास सीमा की परेशानी का हल है। क्या? दादी आप विशेष की शादी करा दीजिए, फिर नई भाभी के साथ मिलकर सीमा खूब बातें कर सकती है। क्या बहू, अभी अभी तो उसने ऑफिस जाना शुरू किया है। इसलिए तो कह रही हूँ दादी, अब तो ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है, अब शादी हो जाएगी तो उनकी जिंदगी पूरी तरह सेटल हो जाएगी। अरे किसकी जिंदगी को सेटल करने की बात हो रही है? विशेष भैया की। मामा कह रहे हैं कि विशेष भैया की शादी करवा देनी चाहिए। क्या बात है बहू? विशेष की शादी की बात सुनकर तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया बहू? माची इस बात से मुझे माया वाली घटना याद आ गई। पता नहीं विश के सामने शादी की बात करेंगे तो उस बात को कैसे लेगा। काश मैं उसकी माया को ढूंढ पाती। माँ वो बात तो अब पुरानी हो गई है, उस अतीत को भूलकर जीने की सलाह तो आप ही लोग देंगे ना। कब तक उसकी यादों के सहारे वो पूरी जिंदगी काटेंगे? तुम ठीक कह रही हो अंजलि, लेकिन माँ मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अपनी पुरानी जिंदगी भुलाकर नई जिंदगी में कदम रखना चाहते हैं, और देखिए ना अब तो वो ऑफिस भी जाने लग गए हैं। हाँ बहू अब उसकी उम्र भी तो हो गई है, समीर के बराबर का तो है। माँ मैं तो कहती हूँ कि हमें जल्दी से जल्दी उनके लिए लड़की देखनी शुरू कर देनी चाहिए। अरे नहीं ऐसे नहीं, पहले उससे उससे बात तो करनी पड़ेगी, उससे पूछना तो पड़ेगा। अब उससे पूछने की क्या जरूरत है? पूछने वाली बात है माँ जी, पहले मुझसे गलती हो चुकी है, मैं उसका दिल दुखा चुकी हूँ, अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करना चाहती। मामा आप अपने आप को दोषी क्यों मानती हो? अब तक आपने तो माया को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी ना। बेटा ये तुम मानती हो लेकिन विशेष नहीं मानता। कहीं ना कहीं वो आज तक यही सोचता है कि उसकी माया को ढूंढने में मुझसे कोई कमी रह गई। मालती बहुत ठीक कह रही है, एक बार उससे पूछ लेना ही अच्छा है। मैं पूछ लेती हूँ, इसमें क्या है? अरे नहीं सीमा तुम नहीं, अंजलि तुम एक बार बात करके देखो ना, तुम उसकी भाभी हो, वो तुमसे हिचकिचाएगा नहीं, अपने दिल की बात साफ कह देगा। माम मैं कैसे, आप ही क्यों नहीं बात करती हैं? अच्छा रहेगा, मुझे तो वो अच्छे से जानते भी नहीं है।
हाँ तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन मैं, अच्छा तुम एक काम करो, जब हम साथ में हो तो एक बार तुम बस ये बात छेड़ देना, फिर मैं संभालूंगी, मैं बात कर लूंगी उससे। हाँ जी, मैं तो शुरुआत से ही जानता था कि तुम अंजलि नहीं हो, माया हो, मेरी माया हो। अंजलि, तुम एक बार बात करके देखो ना, तुम उसकी भाभी हो, वो तुमसे हिचकिचाएगा नहीं, अपने दिल की बात साफ कह देगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम खुद चलकर वापस मेरे पास नहीं आ जाती। तो शुरुआत अपनी होने वाली बीवी से उसके धर्म निभवाने की शुरुआत। एक दिन अपने इस कमरे में अपने साथ रहने के लिए मजबूर करूंगा। कहिए जनाब। मैडम का मूड ठीक है? ठीक है, क्यों? सुबह कुछ अपसेट लग रही थी तुम। प्लीज मत हुआ करो अपसेट, यहाँ ऑफिस में काम नहीं होता है मुझसे। अच्छा जी, हाँ तो फिर ठीक है, घर वापस आ जाओ। नहीं, अभी तो थोड़ा सा काम है। झूठे, अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग दोनों डिनर पे जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ क्या पहनूं? जो तुम्हें पसंद हो। नहीं, आज मैं तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम वो रेड वाली साड़ी पहन लो, तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ठीक है, बाय। ठीक है, बाय बाय। हेलो। हेलो समीर, 5 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आना, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा मैं आता हूँ। विशेष, क्या बात, कोई प्रॉब्लम? ये सूरत की फाइल की कोटेशन समझ नहीं आ रही है। अच्छा ये बैठो, मैं तुम्हें समझाता हूँ।
यहाँ से हमारे करीब 150 कंटेनर निकलते हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है विशेष, हमेशा दमानिया शिपिंग को मिलता है और इस बार भी हमें मिलना चाहिए। इसके डिटेल्स जो है ना, वो तो हमें मिल ही जाएगा, मगर आज के लिए इतना काम बहुत है। घर भी जाना है कि नहीं? क्या टाइम हुआ है? ट्रिप 10:30। अंजलि, अंजलि, अरे समीर, तुम्हें तो आज अंजलि के साथ डिनर पे जाना था। I'm sorry, ये सब मेरी वजह से हो गया। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, फिर किसी दिन चले जाएंगे। अब तुम इतना प्यार से समझ रहे थे कि मैं भी पूरा समझाने बैठ गया। मैं चलता हूँ, अंजलि पता नहीं किस मूड में होगी, उसे मनाना भी तो है। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। चाय बनाओ मैडम के लिए। चाय? नाराज हो अभी तक? होना ही चाहिए, नाराज होने वाली बात है। एक बार पूछोगी नहीं मैं क्यों लेट? मैं कौन होती हूँ तुमसे पूछने वाली? अंजलि प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए समीर। मामला बहुत सीरियस है। अरे माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? रामू काका कहाँ हैं? वो बाजार गए सब्जियां खरीदने। और उसमें तकलीफ क्या? अरे बात याद आई, तुमने विशेष से बात की क्या उसकी शादी के बारे में? नहीं माँ। तो फिर कर लो ना बेटा, इंतजार किस बात का? कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? हाँ, कमाल है, पहले तुमने खुद ये बात छेड़ी और अब पूछो जल्दी क्या है। अरे बच्चे, जितनी जल्दी हम उसके दिल की बात जान ले उतना अच्छा। तुम एक काम क्यों नहीं करते, ये चाय उसे दे आप। जी? चाय विशेष को? उसी बहाने उससे उसके दिल की बात भी पूछ लेना। जाओ जाओ चले। कौन है अंदर? आ जाओ। तुम? इस तरह दरवाजे पे नॉक करने की क्या जरूरत? आखिर ये कमरा है तो तुम्हारा ही। मैं तुमसे ये कहने आई हूं कि घर में सब लोग चाहते हैं तुम शादी कर लो। सब चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन तुम क्या चाहती हो?
मेरे जाने से क्या होता है? मेरे लिए तो तुम्हारी चाहत ही मायने रखती है। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम तो जानती हो कि विश ने आज तक किसी की बात नहीं मानी। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं शादी कर लेता हूँ। मुझे खुशी है कि तुम मान गए। मैं माँ से कह देती हूँ कि तुम राजी हो। रुको, माँ से एक और बात कहना कि मैं शादी तब करूंगा जब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कहोगी।